अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक विद आयशा। एक नए दिन के साथ रमज़ान ऐसे गुजर रहा है पता भी नहीं चल रहा। इतने मज़े मज़े के खाने हम आप लोगों के लिए बना रही हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज जो रेसिपी बनने वाली है उसको आप अमूमन खाते हैं चावल के साथ, लेकिन हम स्पेशली आपके लिए बनाएंगे पास्ता के साथ एक ज़बरदस्त सी ऐसी रेसिपी जो अमूमन चावल के साथ बनती है। सोचें मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, चिकन शाश्लिक हम हमेशा चावल के साथ सर्व करते हैं। तो मैंने सोचा कि मारियोज पास्ता हमारे पास है ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी में, क्यों ना हम उसके साथ बनाएं आपके लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का शाश्लिक। इसके साथ हम बनाएंगे एक तरबूज का शरबत, और इस तरबूज के शरबत में हम बहुत सारा फाइबर भी शामिल करेंगे जो कि रमज़ान में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन सा ऐसा खाना खाएं जिसमें फ़ाइबर हो। कुछ लोग फ्रूट चाट नहीं खाते, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये एक मशरूब हम तैयार करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारा मारियो का पास्ता है इसको हम यहाँ पे उबलने के लिए रखेंगे। आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी फूसली मैकरोनी, एंड मारियो के पास्ता की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ना ये टूटे ना चिपके, बनकर और भी खिल जाए। इसीलिए क्योंकि ये बनकर इतना खिलता है इसी वजह से मैं इसको आधा पैकेट के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हम ऐड कर देंगे खोलते हुए पानी में। पानी को हमेशा मैं पहले से ही जो है ना वो खोला लेती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आपने नोट किया हो आज मैंने जो है वो एप्रन पहनी हुई है एरियल की, और उसकी वजह ये है कि अभी जो ये कोयला दहकेगा तो मैं नहीं चाहती कि हमारे जो डिज़ाइनर के कपड़े होते हैं जो हमें वापस करने होते हैं वो ख़राब हो जाए। और अमूमन घरों में जैसे जो भी आप कपड़े पहनते हैं अगर आप उसके ऊपर एप्रन का इस्तेमाल करें तो बहुत ही सफाई सुथराई के साथ सारा काम हो जाता है, कपड़े आपके गंदे नहीं होते, बहुत आसानी हो जाती है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सारी कुकिंग हो जाए, आपने अपना जैसे एरियल का आपका जो एप्रन है वो उतार के आपने साइड पर रख दिया तो सफाई भी रहती है जो आपने कपड़े पहने होते हैं उसकी। और ख़ास तौर पर उन दिनों में जब किसी ने घर पर आना हो अफ्तार के लिए, वैसे आपने किसी को बुलाया हुआ हो तो बिल्कुल साफ़ सुथरे आपके कपड़े रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम पास्ता को फिलहाल यहाँ रख देते हैं एंड थोड़ा सा मैं स्टर करूँगी। इसके साथ साथ इसमें मैं ऐड करूँगी कश्मीर कुकिंग ऑयल, और कश्मीर कुकिंग ऑयल मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। उसकी रीज़न ये है कि ये वैसे तो बनकर खिल जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसमें कश्मीर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। 1 टेबलस्पून प्रीमियम गोल्ड ऑयल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल। एंड जनाब, अच्छा मेटा बूस्ट मिलेगा आपको न्यूट्रिशन का। यहाँ पे कोयला दहक रहा है। अब मैं आपके साथ एक मज़े की टिप शेयर करना चाहती हूँ शाश्लिक से रिलेटेड। शाश्लिक में चिकन में हम पहले तो मैरिनेशन लगा देंगे, और फिर मैं आपको एक फ़न टिप दिखाऊंगी चिकन शाश्लिक में जो मैं एक काम कर रही होती हूँ और थोड़ा सा एक अनकॉमन काम है। इसके साथ साथ हमारी एक ऐसी गेस्ट आज मौजूद होंगी जिनकी क्रिएशन आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, जिनका ड्रामा आप हम टीवी पे इन्जॉय कर रहे हैं चांद तारा के नाम से। बिल्कुल, मैं इस ड्रामे की, इस सुपरहिट ड्रामे की राइटर की बात कर रही हूँ जो कि हैं साइमा अकरम चौधरी। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगी, बहुत सारे सवाल हम उनसे करेंगे। आप भी अगर बाय द वे उनसे भी सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड हमारे कॉलर्स के लिए इनाम है सतीन सॉफ्ट की जानिब से। सतीन सॉफ्ट की जानिब से आप एक गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं अगर आप हमें कॉल करेंगे, कोई भी मज़े का सवाल करेंगे हमारी गेस्ट से या मुझसे, तो आपको मिलेगा सतीन सॉफ्ट की जानिब से ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर। अच्छा, चिकन हमने 500 ग्राम ली है। आप चाहें तो चिकन के थाई पीसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा जूसी बनेगी चिकन। नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसके साथ साथ हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, अगेन बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज़ वो रोज़ा होता है, फिर मिर्चे खाते हैं तो हेल्थ के बड़े मसले मसाइल होते हैं। साथ साथ मैं ये करूँगी कि मैं फ्लेम यहाँ ऑन कर लूँगी, थोड़ा सा हम इस पैन को गरम करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच, और साथ में मैं इसमें शामिल करूंगी हल्की सी जस्ट अ बिट ऑफ हल्दी। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं इसके, नमक मिर्च हल्दी लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ लोग इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड करते हैं, मैं नहीं करती। अगर आपके घर में तंदूरी मसाला रखा हुआ है वो आप इस पर लगा सकते हैं। फिर नमक मिर्च शामिल कीजिएगा क्योंकि उसमें नमक शामिल होता है। नमक मिर्च बिल्कुल मुनासिब हम रखेंगे। अच्छा, टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों,
वो ये है कि हमने ये किया कि हमने सबसे पहले तो एक जो फॉइल होता है या अक्सर लोग प्याज का पत्ता भी इस्तेमाल करते हैं वो हमने इस पर रख दिया। अमूमन हम क्या करते हैं कि जब हम चिकन या चिकन टिक्का या कबाब घर पर तैयार करते हैं तो हम तैयार करके निकालते हैं और उसके बाद हम उस पर कोयले का दम लगाते हैं। मैं एक उल्टा काम करती हूँ, काफ़ी अरसे से मैं ये कर रही हूँ कि जब बिल्कुल कच्चा होता है ना गोश्त तब मैं इस पर कोयले का दम लगाती हूँ। उससे क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, आपको एकदम हैवी फील नहीं होता और जब तक मेहमान आते हैं तब तक ये कोयले वोले वाले सारे काम हो चुके होते हैं। सो ये एक बड़ी आसानी हो जाती है। और ये मैंने पता नहीं किसी शेफ़ की आई थिंक तकरीबन 3 साल पहले ये टिप देखी थी और जब मैंने इसको इस्तेमाल किया इस टिप को कि आप पहले ही उस पर कोयले का दम दे दें तो मुझे एक्चुअली बड़ी अच्छी लगी ये टिप। ये देखें इस कोयले को सफ़ेद वाले पार्ट को ऊपर रखेंगे। अच्छा पहले तो इससे पहले कि मैं इस पर ऑयल ऐड करूँ मैं देखती हूँ कि ये ढक्कन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिड है। अब हम इसमें कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल ऐड करेंगे और इसको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए दम देंगे। ये हमने ऐड कर दिया। इसकी भी वजह ये है कि जब आप एक्चुअल बारबेक्यू खाते हैं ना बाजार वाला या कभी आप अंगीठी पे जो बारबेक्यू बनाते हैं उसमें कोयले का धुआं इधर उधर जा रहा होता है तो वो सटल सा मिलता है, हल्का सा मिलता है टिक्के को, इसमें सारा धुआं अंदर है तो ज़्यादा देर के लिए रखेंगे ना तो फिर गेम ऑफ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी स्मेल आएगी जो कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। सो ऑलमोस्ट 30 सेकेंड हो गए, इसको मैं निकाल लूँगी। बस इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, एक हल्का सा हमें इसकी महक चाहिए और कोयले वाले सारे काम करते हुए आपने बड़ा ध्यान से काम करना है। इसको हम वापस यहाँ रख देंगे डस्टबिन में। अगर आप इसको फेंकें देख लें हल्का सा भी ऑन ये जो है वो जलता हुआ नहीं होना चाहिए वरना धमाका हो जाएगा। और हमारे प्रेप शेफ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि इस पर पहले उन्होंने पानी ऐड किया और उसके बाद इसको डिस्कार्ड किया। सो विच इज़ अ टिप फॉर यू ऑल्सो। अच्छा पैन हमारा हो चुका है गरम, अब इस गरम गरम पैन में हम ऐड कर देंगे कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल, ये एक खाने का चमचे के बराबर ऐड कर दिया। पैन ज़बरदस्त तरीके से गर्म है, इसमें चिकन को ऐड करेंगे और धुआं आएगा, आवाज़ें आएंगी। सो बी रेडी, इसलिए मैंने एक्चुअली एरल की एप्रन इस पर पहनी हुई है बिकॉज पैन हमने गर्म किया हुआ था। अच्छा ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारी गेस्ट से भी आपको मिलवाएंगे, शाशलिक भी बनाएंगे, हमारी मज़ेदार सी जो तरबूज का शरबत है वो भी बनाएंगे। जल्दी से वापस आ जाएगा। वापस आ चुके हैं हम, आप देख रहे हैं कुक विद आयशा और यहाँ पे मैं चेरी टमेटोज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं शाशलिक के लिए, लेकिन मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने सोचा वाई नॉट। इसके ये जो चेरी टमेटोज है ना इसकी मैं टहनियाँ इस तरह से निकाल रही हूँ। अच्छा चिकन को मैंने पहले तेज आँच पर पकाया, सब को बहुत ज़्यादा खांसी आई तो ये सारे मसले मसाले आपके घर पे भी होंगे। उसके बाद जब चिकन एक बार सील हो जाएगी, सियर हो जाएगी यानी ऊपर से एक उसकी लेयर जम जाएगी, उसके बाद फिर आप इसमें पानी डाल दें तो वो बड़ी जूसी बनती है। दिस इज़ अ टिप। अच्छा यहाँ पे ये मैं स्टेम्स इसके निकाल रही हूँ चेरी टमेटोज के। और मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात दिखाना चाहती हूँ कि मारियोज पास्ता जो हम फूसली वाला इस्तेमाल आज कर रहे हैं वो तो आधे से ज़्यादा उबल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक पैन में चिकन स्टॉक लेंगे, चिकन स्टॉक यानी चिकन की यखनी का हम इस्तेमाल करेंगे और इस चिकन की यखनी को हम ऐड करेंगे हमारे पास्ता में। तो इससे क्या होता है कि पास्ता बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि पास्ता बोरिंग है, उसमें ना नमक है ना फ्लेवर है, उसमें बड़ा मज़े का एक चिकन का फ्लेवर आएगा। और उसके बाद जब ऊपर से आप शाश्लिक के सारे चिकन और वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो वो भी एक बड़ा बैलेंस सा फ्लेवर आएगा। तो ये मैं पास्ता को मैंने यहाँ पे चिकन स्टॉक में ऐड कर दिया है। अच्छा ये हो गया एक काम। अब मुझे आपको ये दिखाना है कि थोड़ा सा जब भी आप चिकन को बिल्कुल तेज़ आंच पे बनाते हैं तो थोड़े सा ऑयल जो फैलता है, मैं 1 से 3 सॉफ्ट का ये कॉटन टिश्यू लूँगी और कॉटन टिश्यू से मैं इस तरह से ये सब कुछ साफ़ कर लूँगी। दिस इज़ सो अब्जॉर्बेंट कि मुझे लिटरली इसको इस्तेमाल करके इतना मज़ा आता है, लेकिन सब कुछ इसने जो है वो अच्छा सा अब्जॉर्ब कर लिया है क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा अब्जॉर्बेंट है। इसकी वेज स्ट्रेंथ भी बड़ी ज़बरदस्त है तो लिटरली ना टूटता है ना फटता है ना चिपकता है। अच्छा थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड पे रख लेंगे हमारी जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली हैं और चिकन मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन में
मैंने ब्रेक में क्या किया था कि मैंने ब्रेक में इसमें पानी शामिल कर दिया था ताकि ये जो बड़े वाले पीसेज है ना, जैसे ये पीस है, वो अंदर तक पक जाए। अब जब इस चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये प्याज, शिमला मिर्च। लेकिन उस पानी ड्राई होने से पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमेटो प्यूरे। ये टमेटो प्यूरे जो है ये वो वाली है जो आपको आपके किसी भी लोकल ब्रांड से मिल जाएगी और ये जार में होती है, तो इसमें नमक ऑलरेडी मिला हुआ होता है, नमक मत मिलाइएगा। ये हमने यहाँ शामिल कर दी टमेटो प्यूरे तकरीबन हाफ कप के बराबर, वरना आप क्या करेंगे, 4 अदर टमाटर लेंगे और 4 अदर टमाटरों को अच्छी तरह से आपने उबाल लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद उसका छिलका हटाकर अब उनको ब्लेंड कर लेंगे और फिर उसके साथ तो थोड़ा सा नमक भी शामिल कर सकते हैं। ये हमने ऐड कर दी, एक मैं लूँगी स्पैचुला और या फिर एक स्पून, और ये अच्छा सा आपने मिक्स कर दिया। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करेंगे जनाब हमारी शिमला मिर्चें और प्याज। ये प्याज शामिल कर दिया, ये हमने शिमला मिर्च, एक दो रोकूंगी कलर के लिए। ये हो गया, सारे के सारे जो भी इस्तेमाल हो चुके हैं उनको पीछे प्लेस कर देंगे। अब आंच थोड़ी सी तेज ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स भी हो जाएं और जो पानी होता है ना प्याज का, शिमला मिर्च का, वो बिल्कुल हल्का सा निकल के इवेपोरेट भी हो जाए। एंड इतना जल्दी में बनने वाला ये शाश्लिक है, इट इज़ सो डिलिशियस। इसमें इस टाइम हम ऐड कर देंगे चिकन स्टॉक, नमक नहीं शामिल कीजिएगा, चिकन स्टॉक में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, ताकि इसकी हल्की सी एक ग्रेवी बन जाए। यहाँ पे जो हमारा मारियो फूसली पास्ता है वो बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स भी कर सकते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे सर्व करूँगी कि एक लेयर होगी पास्ता की एंड उसके बाद एक लेयर होगी इस शाश्लिक की। इसमें अभी शार्प लाल रंग की बहुत कमी है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर से चेरी टमेटोज ऐड करके, वरना फिर आप क्या करेंगे, नॉर्मल अगर टमाटर है तो टमाटर को आपने काटा 1:8 यानी कि टमाटर के 8 हिस्से कर लें और इस तरह से क्यूब्स कर लें जैसे हमने की हुई है। यहाँ पे हमारा जो ये शाश्लिक है ये हो चुका है बिल्कुल तैयार। फ्लेम करेंगे हम बंद, एक अच्छी सी हम जो है वो प्लेट ले आएंगे यहाँ पे एक सर्विंग प्लेटर के तौर पे, और आज हम इस्तेमाल करेंगे जनाब ये वाला हमारा सर्विंग प्लेटर, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और सर्विंग दिखाते हैं। ये आ गया हमारा मारियो का फूसली पास्ता। ब्रेक का भी टाइम होने वाला है, मैं चाह रही हूँ पहले आपको ये हम दिखा दें, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे ताकि आप कंप्लीट डिश इंजॉय कर लें। अच्छा, अब चेरी टमेटोज आ गए, थोड़े से ऊपर से ऐड करेंगे एंड नाउ दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। ये हम ऐड कर देंगे हमारे शाश्लिक पे, इसको देखते देखते आप ब्रेक पे जाइए और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम आपको मिलवाएंगे हमारे गेस्ट से, जल्दी से वापस आ जाएंगे। आ चुके हैं हम, आप देख रहे हैं कुक विद आयशा, और इतना जल्दी बनने वाला ये एक शाश्लिक है, बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा कुछ हमने मैरिनेट भी नहीं किया। अच्छा, ये तो हमारा शाश्लिक बन चुका है मारियोज़ के पास्ता के साथ बिल्कुल तैयार। अब हम एक ड्रिंक बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उन गेस्ट के बारे में जो मैं आपको शुरू में भी बता रही थी कि आप चांद तारा जो सीरियल है वो बहुत शौक़ से देख रहे हैं, पूरे रमज़ान के महीने में बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं हम टीवी पे इस सीरियल की। मुझे लगता है सबसे अच्छी बात यह है कि वो सास बहू वाले मसले मसाइल नहीं है, एक इतने खूबसूरत टॉपिक को टच किया गया है कि जॉइंट फैमिली वर्सेस जो है वो न्यूक्लियर फैमिली, कि कौन किस पे रहना चाहता है, हर इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, और ये हमारे माशरे की हकीकत है कि अगर आपको दूसरी कोई फैमिली मिले जो कि आप ना चाहते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एडजस्टमेंट। और इसको खूबसूरती से लिखा है उन राइटर ने जिन्होंने बहुत सारे हिट ड्रामास दिए हैं हमें। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ साइमा अकरम चौधरी की, उनको इनवाइट करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। साइमा आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बड़ी आप तो भाई बड़ी हिट चल रही हैं, आपका ड्रामा बड़ा हिट चल रहा है, सो कैसा लगता है आपको जब हर कोई आपको मिलता है और कहता है कि हम देख रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं? अच्छा लगता है, पिछले कोई मेरा ख्याल है 5 या 6 साल से रमजान सीरियल कर रही हूँ, तो ऐसे ही लगता है कि रमजान आता है तो साथ मैं भी आ जाती हूँ, आप भी आ जाती हैं।
आ जाती हूँ। अच्छा, हर रमजान होता तो रोमांस कॉमेडी सब कुछ एक मिक्स होता है, लेकिन कोई ना कोई मुझे ऐसा लगता है कि मैसेज आपके उसमें जरूर होता है। ऐसा ही होता है। तो आप कब सोच, जैसे इसके बारे में जो मैसेज जो है टॉपिक है, आपने कब सोचा, क्या किस चीज ने आपको इंस्पायर किया कि मुझे इस बारे में लिखना चाहिए? एक्चुअली जब ड्रामा रमज़ान सीरियल जो है, जब काफ़ी अरसे के बाद मैंने स्टार्ट किया था, उससे पहले लिखे जा रहे थे, लेकिन जब सोनू चंदा से स्टार्ट हुआ तो वो एक फैमिली एक थी उसके अंदर दिखाई गई थी। उसके बाद फिर मैंने सेकंड जो लिखा वो चुपके चुपके था, उसके अंदर भी एक बड़ी फैमिली थी। तो फिर सब जो लोग थे वो मेरे पर इतराज़ करना शुरू हो गए कि ये फैमिलीज दिखाती है, ये बहुत ज़्यादा कज़न्स दिखाती है। तो मैंने फिर थोड़ा सा हट के फिर हम तुम जो है वो लिखा, तो वो एक न्यूक्लियर फैमिली थी, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं था उसके अंदर। लेकिन मुझे उसके बाद एहसास हुआ कि जो मज़ा जो है वो हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में आता है, जहाँ पे सारे रिश्ते कंबाइन होते हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली में इतना नहीं होता। सही, बिल्कुल। तो इस वजह से फिर जो है मैंने ये चांद तारा जो है ये डिसाइड किया कि मैं लिखूंगी, चाहे लोग इतराज़ करते हैं तो करने। लेकिन आई थिंक आपने उसको इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है कि जो आयजा खान का रोल है वो जॉइंट फैमिली में नहीं रही थी, लेकिन जब वो आई तो उनको बड़ा मजा आया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो जॉइंट फैमिली में रहना है। ऐसे ही था, क्योंकि जो चीज़ जो रिश्ते आपके पास नहीं होते ना, तो आपको ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस जो होती है वो फील होती है। तो आयजा का कैरेक्टर ही इस तरह का था कि वो एक थोड़ा ब्रोकन फैमिली टाइप ही चल रहा था उसका सारा सिलसिला, तो वो रिश्तों को तरसी हुई थी। जब उसको मिला एक घर ऐसा मिला कि जिसमें बहुत सारे जो थे वो रिश्ते थे, तो वो उनमें आके बड़ा खुश हो रही है और वो एक उसकी एक चल रहा है सारा सिलसिला जो है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है बजाते खुद कि आपको क्या ज्यादा पसंद है, जॉइंट फैमिली ज्यादा पसंद है, न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा पसंद है? आपको क्या लगता है प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, आपको क्या लगता है सब प्रोज एंड कॉन्स को वे करके जीतता कौन है, जॉइंट फैमिली या? देखिए, अब मैंने कुछ टाइम जो है वो जॉइंट फैमिली में भी गुजारा है, इस तरह से कि मेरे इन-लॉज घर अलग-अलग थे, लेकिन सारे इतने आपस में जुड़े हुए थे कि वो लगता यही था कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम ही चल रहा है। लेकिन पिछले 14 साल से जो कि मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हम दोनों अकेले रह रहे हैं, तो मिस करती हूँ मैं उन चीज़ों को। फिर हम लोग इवेंट्स पे इकट्ठे होते हैं तो सारे लोग हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि सिस्टम जो है वो कोई भी बुरा नहीं होता, हर जो रिश्ते में हर एक सिस्टम में हमें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए लोगों को, थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए, तो हर सिस्टम ही अच्छा है। बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। आप इजी हैं, मुझे ये लगता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो ज़्यादा जो है वो अच्छा आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब एक सवाल जो कि जब भी कोई राइटर के बारे में सोचता है तो दिमाग में आता है कि साइमा अकरम चौधरी कब बैठ कर बाकायदा कहती हैं कि चलें जी लिखा जाए, वो आपका माहौल कब बनता है, एकदम से आइडियाज़ आ जाती हैं या डिसिप्लिन है लाइफ में कि मैं बैठूँगी लैपटॉप के सामने कंप्यूटर के सामने और अब मुझे आइडियाज़ आने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता आयशा। पता, जो राइटिंग का एक प्रोसेस होता है ना, वो बड़ा एक नेचुरल उसका एक फ्लो होता है। उसमें ये नहीं होता कि आप सोच के बैठेंगे कि भी मैंने खाना खा लिया है, अब बिल्कुल फ्री हो गई हूँ तो अब मैं लिखूंगी, तो वो राइटिंग ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे आपका जो दिमाग है वो काम कर रहा हो। बिल्कुल, वो आप राइटिंग की तरफ जो है आप लिखना चाह रहे हो। तो फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि खाना हमने रखा होता है चूल्हे पे और एकदम से सीन आ जाता है तो दिल चाहता है फौरन जाके लिख लिया जाए। कभी खाना जला है? बहुत दफा। आपसे कोई स्टोरी ऐसी जानेंगे कि भाई आपको जो इतने जबरदस्त किस्म की ड्रामास लिख के देती हैं साइमा अकरम चौधरी, उस चक्कर में खाना घर का जल जाता है? इस बारे में भी हम बात करेंगे और हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हिना बतूल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हिना, इतने अच्छे ड्रामा सीरियल की और मैमूना इतने अच्छी ड्रामा सीरियल की जो है वो राइटर हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या पूछना चाहेंगे? देख रही हूँ, सहम आप ही को मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैमूना वाल जी, जी आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपके ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, हम देखते हैं आपका ड्रामा चांद तारा वाला। थैंक यू मैमूना, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है? चांद तारा मुझे तो लगते हैं दोनों। अच्छा, आयजा और दानिश। वैसे हम भी, मैं अपनी भी आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ, हम भी खुद जॉइंट सिस्टम में रहते हैं, मेरे शादी को 23 इयर्स हो गए हैं। आपने लास्ट में क्या कहा था, जॉइंट फैमिली में रहती हैं? कितने साल हो गए? 23 इयर्स। माशाल्लाह, तो आप जॉइंट फैमिली के फेवर में हैं? जी बिल्कुल। जबरदस्त, वेरी गुड। हो सकता है इसी बात में हम आपको सतीम सॉफ्ट का हैम्पर दे दें। आपसे मर्जी दे जाना दे, बस अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच मैमूना, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैमूना, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
ना आपको अच्छा लगता होगा ना कि आप माशरे की देखिए माशरे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं, माशरे की अच्छाइयाँ जब आप दिखाती हैं साइमा तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइटर के हाथ में सब है कि वो माशरे की अक्कासी करते हुए अच्छी चीज़ें भी दिखा सकता है, वो बुरी चीज़ें भी दिखा सकता है। कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आप छेड़ना चाहती हैं मगर आपको थोड़ा सा डर लगता हो, ऐसा हुआ है? ऐसा अभी तक तो मेरा ख्याल है नहीं है। हमें बाज़ुकात नहीं बल्कि अक्सर ये होता है कि राइटर्स जो लिख रहे होते हैं वो एक चैनल की पॉलिसी के मुताबिक हमने लिखना होता है। हमें मालूम होता है कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम टच कर सकते हैं, इनको हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बस उन्हीं चीज़ों को लेके उन्हीं टॉपिक्स के अंदर हमने रह के काम करना होता है। और अभी तक कोई ऐसा टॉपिक मुझे लगा तो नहीं है कि जिस पे जो है थोड़ा डर लगाओ। हाँ ये है कि जैसे अभी चांद तारा मैं कर रही थी तो उस पर थोड़ा सा मुझे परेशानी थी, इसलिए कि मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, उनको फिर अच्छे लगते हैं हम तुम टाइप ड्रामास, सुनो चंदा टाइप ड्रामास। तो उनकी तरफ से एक बड़ा इस दफ़ा मुझे आया है कि आपने एक मैरिड कपल जो है वो दिखा दिया है जिनका एक जो एक लव वाली जो उनकी जर्नी थी जो उनका प्रोसेस था वो नहीं दिखाया, तो वो चीज़ जो थी वो उनको लगता है कि मिसिंग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैंने ये दानिश्ता कोशिश की थी कि हर दफ़ा ये होता था कि मैं एक चलती थी जैसे कि अगर मेरे कुछ कैरेक्टर्स हैं तो उनकी एक जर्नी होती थी जो मैं दिखाती थी, तो इस दफ़ा जो है वो जर्नी पीछे अपनी एक गुजार चुके हैं और आगे वाला जो है उनकी मैरिड लाइफ है, तो उस पर थोड़ा सा आ रहा था मुझे कि लेकिन चेंज होना चाहिए ना, चेंज होना चाहिए बिल्कुल। और ये बड़ा खूबसूरत चेंज है बाय द वे जो आप बता रही हैं इसमें। अच्छा वो बताइएगा कि भाई क्या कब खाना जला आपका, कि कोई अच्छा सा आइडिया आपके दिमाग में आया हो, ऐसा कभी हुआ है कोई वाक्य ऐसा जो याद हो आपको? जी जी बिल्कुल, बहुत दफ़ा इस तरह से हुआ है कि डेडलाइंस जो होती हैं आपके होती हैं सर पे होती हैं, तो हम लोग बाज़ुकात ये कर रहे होते हैं कि अभी 10 मिनट में भेज रही हूँ, बस 4 सीन्स रह गए हैं वो लिख लूँगी और मैं जल्दी से भेज दूँगी, तो वो 4 सीन्स में आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कैरेक्टर्स के अंदर और अपनी स्टोरी के अंदर कि आपको भूल जाता है। एक दफ़ा तो मैंने चने बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, तो मुझे कोई मेरा ख्याल है कि 1 घंटे के बाद जब एक स्मेल से आना शुरू हुई ना रूम के अंदर, तब मुझे पता चला कि कुछ हुआ है। एक दफ़ा चाय रख के आएंगे और मैं भूल गई कि मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रखे हैं, तो वो भूल गई हूँ। तो बहुत सारे हमने खाने जो हैं वो जलाए हैं, राइटर्स के तो खाने जलना एक आम बात। यहाँ आम बात है, वो सोच रही थी कि वो कहते ना खून पसीना जो है वो हमने बहा के लिए खाने जला जबरदस्त किस्म की स्क्रिप्ट लिखी आप लोगों के लिए। हमारे पास छोटी सी ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे मजीद आपसे जानेंगे कि रमजान में किस तरह से आप अपना स्केड्यूल मैनेज करती हैं, लिखती है रमजान में कब है, अफ्तार से पहले या अफ्तार के बाद, एक छोटी सी ब्रेक से फौरन वापस आने के बाद। चुके हैं हम, आप देख रहे हैं कुक विद आयशा और मज़े का तरबूज का शरबत बनने वाला है जिसमें तरबूज है, जिसमें हम थोड़ा सा लाल वाला शरबत ऐड कर रहे हैं, आप स्ट्रॉबेरी सिरप भी ऐड कर सकती हैं, ये तुक में बालंगा जिसमें बहुत सारा फाइबर होता है, प्रोटीन भी होता है, ये हम शामिल करेंगे। बड़ी एक हेल्दी सी रिफ्रेशिंग सी एक ड्रिंक बनती है अफ्तार के लिए। और साइमा अकरम चौधरी जो राइटर है ज़बरदस्त किस्म के ड्रामास की, एंड चांद तारा जो आजकल आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उसकी भी हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाह रही थी साइमा, जो हम ब्रेक पर जाने से पहले पूछ रहे थे कि अफ्तार से पहले आप लिखती हैं, उस वक्त ज़्यादा दिमाग चल रहा होता है रमज़ान में या उसके बाद? मुझे लगता है कि अफ्तारी के बाद जब थोड़ा रिलैक्स हो जाती है ना 9-10 बजे, हाँ एक तो फौरन बात भी नहीं आपका चल रहा होता, जब आपने खाना खा लिया होता नींद आ रही होती है, नींद आ रही होती है उस टाइम पे, और वैसे भी 9 बजे जब मेरा ड्रामा जो है वो ऑन एयर होता है रमज़ान सीरियल, तो उसके बाद फिर मैं लिखती हूँ जो मैंने लिखने वाला काम करना होता है, क्योंकि मोस्टली मेरे जो सीरियल्स हैं वो यूँ होता है कि साथ साथ शूट हो रहा होता है, साथ साथ जो है मैं लिख रही होती हूँ, तो जैसे अभी भी थोड़ा रहता है काम जो है चांद तारा का मैं लिख रही हूँ, तो ड्रामा भी साथ साथ शूट हो रहा है। अच्छा कितनी अच्छी बात है, ये मुझे बताइए कि जैसे आप अपना ड्रामा बैठ के देख रही हैं, ठीक है, और अगर आप वही देख रही हैं कि अच्छा ये हो रहा है, तो उससे भी दिमाग में आइडिया आता है कि मैं ऐसे अब एंडिंग कर सकती हूँ, अब ये कैरेक्टर ये कर सकता है? अच्छा एंडिंग वगैरह जो होती है ना वो हमने पहले से डिसाइड किया हुआ होता है, सही है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें जब मैं स्क्रीन पर देखती हूँ कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, हाँ, तो फिर दानिश्ता जो मेरी एक थोड़ी एफर्ट होती है कि मैं जो नेक्स्ट मेरी एपिसोड्स हैं तो उसमें उनका काम थोड़ा ज़्यादा कर दूँ। अच्छा, तो वो थोड़ा सा जो है ना आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा ये वाला, और तो साथ साथ आपको फीडबैक भी मिल रहा होता है सोशल मीडिया पे, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो कैरेक्टर है इसको लोग पसंद कर रहे हैं, जैसे सुनो चंदा में शाहाना का कैरेक्टर था वो लोग बड़ा उसको लाइक करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वो उसको फिर मैं ज्यादा से ज्यादा लिखती थी कि ये तो फिर एक्टर्स के लिए भाई एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि आप जितना मेहनत करेंगे, जितनी अच्छी एक्टिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको और काम मिलेगा उसी वक्त उसी ड्रामे में, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा
आपका अफ्तार कैसा होता है, क्या खाती हैं अफ्तार पे, फैमिली के साथ करती हैं, क्या क्या बनता है? अफ्तार और सहरी हमारी बड़ी सादा सी होती है। हाँ। बहुत ज़्यादा हम लोग जो है ना वो नहीं कर रहे होते। एक थोड़ा सा आजकल वेट का भी प्रॉब्लम हो रहा है ना कि वेट बढ़ रहा है, तो इसलिए वेट है, महंगाई है, इतनी चीज़ें हैं भाई जी। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जो ऐसे, पकौड़े तो आपको पता है उसके बगैर अफ्तारी का कोई होता ही नहीं है। सही। उसके साथ कोई एक आध सालन जो है वो बन जाता है, फूड चाट बन जाती है या कबाब बन जाते हैं, बस ये दो तीन चीजें ही होती हैं जो कि डेली होती हैं। यानी आप डायरेक्ट खाना खाने वाले लोगों में से हैं? मैं अफ्तारी करती हूँ, उसके बाद मैं फिर सुबह को सहरी ही करती हूँ। अच्छा, अफ्तारी में यानी पकौड़े और कुछ सालन वालन इस तरह की चीज खा, विच इज वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी एक हेल्दी चीज है। अच्छा, सहरी में कौन सी ऐसी चीज होती है आप कहती हैं ये तो होनी चाहिए सहरी में? सहरी में मुझे, मैं बिल्कुल सिंपल सा, मुझे एक ऑमलेट चाहिए होता है या कुछ चने चाहिए होते हैं या कोई आलू कीमा बना हुआ हो, बड़ी देसी सी वो हूँ, तो बस कोई सादा सी रोटी चाहिए होती है, उसके अलावा नहीं। बड़ी अच्छी। हाँ। पराठा नहीं, रोटी? हाँ नहीं नहीं पराठा नहीं, रोटी। वेरी गुड। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ सहरी के नाम से ही दिमाग में आता है कीमा पराठा, ये दो चीजें होती है। और कढ़ाई मेरे जो हस्बैंड है उनको बड़ा वो शौकीन है। हाँ। पराठों के, तो वो उनके लिए बनता है एक जो है पराठा, वो लाजमी खाते हैं। लेकिन आप रोटी खाती हैं? मैं रोटी खाती हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आप को प्यास ज्यादा लगती है, जैसे लोग कहते हैं रोजा लग रहा है प्यास लगती है या भूख का एहसास होता है? नहीं, प्यास ज्यादा लगती है, भूख नहीं लगती। ज्यादा जो मुझे क्रेविंग होती है वो चाय की होती है, क्योंकि चाय के हम लोग जो है राइटिंग के साथ साथ जो काम हमारा होता है वो एक पूरा जग भर के हमारे पास चाय। अच्छा। रख दी जाए, कोई थर्मास भरा हुआ हो, तो बस मुझे जो रोजे में फील होती है बस चाय का होता है, तो पानी या खाना उसका इतना नहीं प्रॉब्लम होता। तभी आप कह रही हैं कि रात के वो 10 बजे एक ऐसा टाइम होता है कि बस साइमा होती है, साइमा की चाय होती है और लेके लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप पे फिर साथ साथ काम हो रहा होता है, साथ साथ में अपना ड्रामा भी देख रही होती हूँ, साथ साथ में अपने नेक्स्ट जो सीन्स होते हैं वो भी लिख रही होती हूँ। कभी ऐसा हुआ है फुल आप जोन में है, कोई मेहमान आ गया हो या आपकी फैमिली को पता है कि भाई इस टाइम साइमा को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, आजकल ये ड्रामा लिख रही है, काम कर रही है, ऐसा कभी होता है? बहुत दफा होता है, बहुत दफा। बेल बजती है तो फिर वो मेरे मियाँ माशाल्लाह बड़े हैं कि वो ऐसी सिचुएशन जो होती है वो हैंडल कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात। तो वो फिर कुछ देर तक गेस्ट को रख लेते हैं, उनको पता होता है कि अब ये टाइम, अगर इसने आज एपिसोड देना है लाजमी, को डेडलाइन है, तो वो फिर मुझे कहते हैं कि तुम कर लो, बाकी चीज़ों को मैं देख लूंगा। कितनी अच्छी बात है ना ये साइमा। बिल्कुल, बहुत मैं बहुत खुश होती हूँ। और जब भी मुझे कोई भी गेस्ट हमारी ऐसी कोई बात बताती है ना, हम कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, उल्टा भी तो है ना, हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द की भी सपोर्ट है। मैं कहती हूँ हर कामयाब औरत के पीछे दो मर्दों का हाथ होता है, एक तो शादी से पहले जो है उसके फादर या उसका भाई, और शादी के बाद जो है उसका लाइफ पार्टनर हो सकता है, उसके बच्चों में से कोई हो सकता है। अमूमन ये होता है कि फीमेल्स जो हैं, जो कि राइटर हैं या कुछ ऐसे जिनके प्रोफेशन हैं जो कि 24 आवर्स ही हमारा काम चल रहा होता है, तो उसमें अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ कॉपरेट नहीं करता तो फिर आप नहीं काम कर सकते, मुश्किल हो जाती है। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की है। ब्रेक पे जाने के टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारी जबरदस्ती तरबूज की जो ड्रिंक है वो भी बनाएंगे, साइमा से भी गपशप चलती रहेगी। अगर आप हमें कॉल करेंगे तो सतीन सॉफ्ट की जानिब से आपके लिए है गिफ्ट हैम्पर। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। चटपटा शाश्लिक पास्ता, अज्जा उबला पास्ता 2 कप, चिकन थाई पीसेस 500 ग्राम, शिमला मिर्च क्यूब कट 1 अदद, प्याज क्यूब कट 1 अदद, टमाटर क्यूब कट 1 अदद, नमक 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कोयला 1 टुकड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, शाश्लिक सॉस के लिए तेल 2 खाने के चम्मच, चिकन स्टॉक 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हसब जायका, केचप 3 खाने के चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच। तरकीब, मैरिनेट की हुई चिकन 10 मिनट पकाएं, फिर इसमें सब्जियां शामिल करके कोयले का दम दें। शाश्लिक सॉस के लिए तेल में केचप और तमाम सीजनिंग डाल के 1 मिनट पका लें, फिर शाश्लिक सॉस में चिकन स्टॉक और पास्ता शामिल करके ग्रिल्ड चिकन और सब्जियों के साथ सर्व कर दें। तरबूज का शरबत, अज्जा कटा तरबूज 2 कप, बर्फ हसब जायका, लाल शरबत 2 खाने के चम्मच, तुख मलंगा 1 खाने का चम्मच। तरकीब, तुख मलंगा के अलावा तमाम अज्जा ब्लेंड करके ग्लास में डाल लें और फिर ज़रा से पानी में तुख मलंगा घोल कर शामिल कर लें।
वापस आ चुके हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पे साइमा हमारे साथ मौजूद है। साइमा से भी गपशप चलती रहेगी। तरबूज का शरबत बनाने के लिए इट्स वेरी सिंपल। आपने तरबूज के छोटे छोटे से पीसेस कर लें, उसमें से बीज हटा दें, वो आप जो भी ग्लास में सर्व करें उसमें ऐड कर दें। तुख में बालंगा इसमें हम ऐड करेंगे। कुछ लोग तुख मलंगा कहते हैं, इट्स नॉट तुख मलंगा, इट्स तुख में बालंगा। साइमा मेरे साथ है। अगर मैं तुख मलंगा कह रही थी साइमा, तो मुझे जो है ना वो यही पे बोलती कि नहीं है ना, तुख में बालंगा इज द राइट वर्ड। बिल्कुल, ये हमने ऐड कर दिया। इसमें बहुत फाइबर होता है, प्रोटीन भी होता है, बहुत ही अच्छा है। स्पेशली रमजान में जो है ना, फाइबर की सोर्सेज वैसे इतनी कम होती हैं, तो जबरदस्त ये एक चीज है रमजान के हवाले से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम पानी, वो लाल वाला शरबत और थोड़ा सा तरबूज को ब्लेंड कर लेंगे। और एक जबरदस्त सा हमारे पास जो है वो ये तरबूज का शरबत बन जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे, अच्छा इसमें कोई चीनी ऐड नहीं करें, बिकॉज तरबूज भी मीठा है, तो ये भी तो हल्की चीनी पे आ जाएं। ये हम ऐड कर देंगे लाल वाला शरबत, साथ में हम कुछ तरबूज के पीसेस, थोड़े बहुत अगर बीज आ भी जाएं तो इट्स ऑल फाइबर, डोंट वरी। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इसमें तरबूज ऐड नहीं करूँगी, वरना ना वो बहुत फिर गाढ़ा हो जाएगा। सो ये मैं तकरीबन हाफ कप के बराबर तरबूज शामिल कर दूँगी। एंड बर्फ ये मैंने ऐड कर दी इसमें। अच्छा सा हम इसको करेंगे ब्लेंड और फिर इसको करेंगे सर्व। अब बर्फ जो है वो पिघलती रहेगी ग्लास में। अच्छा साइमा, मुझे ये बताएं कि आपके ड्रामा चांद तारा के कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपसे सबसे ज्यादा मिलता जुलता हो, करीब करीब सबसे ज्यादा मिलता है आपसे, मतलब आपकी कुछ पर्सनालिटी की ऐसी खसूसियात हो कि आप उनमें अपने आप को देखते हो। अच्छा, उसमें कैरेक्टर जो रुमैसा खान कर रही है उनका नाम है माला। ओके, तो वो थोड़ी सी माला जैसे आउटस्पोकन है, थोड़ी जो है चीजों को लेके जो उसके जहन में आता है फौरन वो बात कर देती है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ। बिल्कुल वैसे ही है। एक दो चीज़ें उसके अंदर हैं, अदरवाइज वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर कर रही हूँ, तो वो उसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं। अदरवाइज चांद तारा में मुझे नहीं लगता कि कोई आपके जैसा है। नहीं। अच्छा तो ऐसा उनमें क्या डिफरेंस है रुमैसा में जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरी पर्सनालिटी में बिल्कुल भी नहीं है, डिफरेंस क्या? रुमैसा माशाल्लाह बड़ी कॉन्फिडेंट है, उसका जो कैरेक्टर है वो स्पोर्ट्स गर्ल का है ना। हाँ, तो वो मेरा नहीं है ना जो है। उसके अलावा आप वैसी हैं? हाँ, वैसे कुछ कुछ जो है उसकी चीज़ें जो है वो मिलती जुलती हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा यहाँ पे जो है वो हमने ये हमारा मज़े का शरबत भी सर्व कर दिया है। एंड हम इस अफ्तार की जो मील है इसको कम्प्लीट करेंगे कोका कोला के थ्रू। अपनी आप अफ्तार के साथ इंजॉय कर सकते हैं, ताकि एक फुल मील का जो है वो आपको यहाँ पे आ जाए मज़ा। अच्छा साइमा, मुझे ये बताइए कि स्पॉइलर अगर मैं कुछ पूछना चाहूँ आपसे कि एंड हैप्पी हो गया नहीं, ये बता दे बस। असल में आयशा स्टोरी इतनी जो है ना सिंपल है चांद तारा की, कि सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं और इतना लविंग कपल है जो कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के इतने केयरिंग है, इतने लविंग है, तो उसमें ज़रा कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती कि हम जो है वो करें। और मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी बात है साइमा कि इतनी माशरे में इतनी वैसी परेशानियां हैं कि क्यों आपने किसी और को और परेशानी देनी है कोई सैड एंडिंग करके, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अभी रिसेंटली एक एपिसोड जो है वो यूट्यूब पर अपलोड हुआ, तो मैं उसमें देख रही थी, किसी ने नीचे कमेंट लिखा हुआ था ना इसमें कोई सास ऐसी है, ना कोई जली कटी जो है नंदे भाभियाँ हैं, ना इसमें कोई तलाक हो रही है, ना इसके अंदर, तो इसमें कुछ भी नहीं है इस ड्रामे के अंदर जो है ना। तो मुझे हंसी आ रही थी कि हम लोगों ने अपनी ऑडियंस का मिजाज बना दिया इस तरह का, तो वो बड़े जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा मायल होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वैसे तो रमज़ान में ड्रामास बनते हैं पॉजिटिव, हम उसमें मैसेजेस दे रहे होते हैं, तो हमें आम लाइफ में भी जो है इस तरह के ड्रामास जो है बनाने चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा आपका, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जितने ड्रामास आपने लिखे हैं अब तक, लिख रही हैं, लिखने वाली हैं, उन सबके लिए। एंड मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि जैसे साइमा ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रामे में एक सनसनी हो तो ड्रामा चले, हमें ही आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑडियंस को इस तरफ लाने की ज़रूरत है कि प्यार मोहब्बत भी अगर आप ड्रामे में दिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं माशरे की, तो भी आप रमजान का महीना एंजॉय करें, अच्छी अच्छी चीजें सुने, अच्छी अच्छी चीजें देखें और मजे मजे के खाने खाएं। वेल जनाब, अब आपसे मुलाकात होगी कल के दिन एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक नई जबरदस्ती, एक नहीं दो रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।